टाइम पर किराया देने के बाद भी अगर मकान मालिक की किचकिच से आप परेशान हैं, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए। बात बात पे अगर मकान मालिक घर से निकालने की धमकी देता है, घर में मेहमानों के आने पर नाराजगी दिखाता है, बिना आपकी मर्जी के जब चाहे आपके घर में घुस जाता है, तो आप उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किराएदार के तौर पर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। जब तक आप फ्लैट का किराया दे रहे हैं, आप उस फ्लैट के मालिक हैं। भारत में किराएदारों के लिए अधिकार अनुसुनिश्चित किए गए हैं। किराएदार के पास वो सब अधिकार हैं जो संपत्ति के मालिक के पास होते हैं। किराए पर कोई भी घर लेने से पहले रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। बिना रेंट एग्रीमेंट के आप मुश्किल में फंस सकते हैं। एक बार रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद मकान मालिक बिना किराएदार की जानकारी के उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। बिना आपकी मर्जी के मकान मालिक किराएदार के घर में नहीं घुस सकता है। किराएदार की अनुमति के बाद ही वो उस फ्लैट में प्रवेश कर सकता है। रेंट एग्रीमेंट में सभी शर्तों का लिखित तौर पर होना जरूरी है। अगर उसमें सारी शर्तें नहीं लिखी हैं, तो टेनेसी एक्ट 2021 को माना जाएगा। अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच घर में टूट फूट को लेकर विवाद होता है। टूट फूट की मरम्मत कौन करवाएगा, इसे लेकर विवाद होता है। आपको बता दें कि छोटी मोटी टूट फूट की जिम्मेदारी किराएदार की होती है, वहीं बिल्डिंग से संबंधित किसी भी बड़ी टूट फूट की मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। अगर वो किराएदार के कारण हुई है, तो फिर वो उसे ठीक करवाना होगा। कई मकान मालिक किराएदार के आने जाने पर पाबंदी लगाते हैं, रात को लौटने का समय तय कर देते हैं। आपको बता दें कि समय की पाबंदी को लेकर कोई कानून नहीं है, वहीं पार्किंग को लेकर भी अक्सर विवाद होता है। समय और पार्किंग को लेकर दोनों आपसी सहमति से ही बात को सुलझा सकते हैं। कई बार पेट्स रखने को लेकर मकान मालिक पर निर्भर करता है कि वो आपको घर में पालतू जानवर रखने की सहमति देते हैं कि नहीं। भले ही मकान मालिक आपको बार बार घर खाली करवाने की धमकी देता हो, लेकिन इसे लेकर नियम तय हैं। रेंट एग्रीमेंट में तय शर्तों से परे मकान मालिक आपसे घर खाली नहीं करवा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट में घर खाली करवाने के नियम तय होते हैं। मकान मालिक को घर खाली करवाने से पहले 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। किराएदार के पास अधिकार है कि वो घर खाली करने से पहले अपनी एडवांस जमा को वापस मांग सकता है या किराए में एडजस्ट कर सकता है। अगर किराएदार की मौत हो जाती है, तो उनका परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी उस घर में समान अधिकार के साथ रह सकता है।